हेलो व्यूअर्स, कल हमने आपको मैलॉक पढ़ाया था, आज हम आपको कैलॉग के बारे में बताएंगे, जिसमें थोड़ा ही से डिफरेंस है, लेकिन इसमें थोड़ा सी फर्क है। कैलॉग मेथड में जो है हमारी मेमोरी जो होती है वो कंटीन्यूअस मेमोरी स्पेसिफाइड होती है, अलॉट होती है एरे में, और मैलॉक में जो होता है वो कंटीजीनियस मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। दोनों के सिंटैक्स में भी फर्क है। जब हम कैलॉग के थ्रू किसी एरे को इनिशियलाइज करते हैं, डायनेमिक एरे को, तो वो इनिशियलाइज हो जाता है जीरो वैल्यू से, डिफॉल्ट वैल्यू से, और उसके दो पैरामीटर हैं, जबकि मैलॉक के एक ही पैरामीटर है। कैलॉग में आप एन कॉमा एलिमेंट साइज लिखते हैं, वहाँ पर एन इंटू एलिमेंट साइज लिखते हैं, तो उसमें एक ही एट्रीब्यूट है मैलॉक में, और कैलॉक में एन कॉमा एलिमेंट साइज लिखते हैं तो दो एट्रीब्यूट है, जो एन बताता कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, वो ईच सेल को ब्लॉक के फॉर्म में ट्रीट करता है, और एलिमेंट साइज को बताता है कि कितने साइज का एलिमेंट है। तो अगर फाइव एलिमेंट्स हैं तो साइज ऑफ इंट फोर लेकर के 20 बाइट उसको कंटिजिनियस, जो लगातार एक दूसरे से जुड़ी मेमोरी है, उसको एलोकेट कर देता है। तो जब हम कोई वैल्यू कैलॉग के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, तो इसका सिंटैक्स आप लोगों को तो हमने कल बताया ही था, मैलॉग का सेम है सिंटैक्स इसका भी है, बस इसमें मैलॉग की जगह कैलॉग लिखते हैं, यहाँ कास्ट टाइप लिखते हैं क्योंकि पॉइंटर हमारा वॉइड टाइप होता है। तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं और पॉइंटर को पता नहीं था किस टाइप की वैल्यू आ रही है, तो उसको कास्ट टाइप करके हम उस वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अगर हम इंटीजर वैल्यू दी है तो कास्ट टाइप इंटीजर होगा, और यहाँ पे साइज ऑफ इंट लेंगे, और फाइव एलिमेंट्स जो दिखा रहा था कि फाइव सेल है एरे में, ये जो अलग डिफरेंट ब्लॉक जैसे ट्रीट कर रही है, जबकि मैलॉक में हम लोग यहाँ पर कॉमा की जगह पे स्टार मल्टीप्लाई लिखते हैं, स्टार सिंबल यूज करते हैं, तो ये एक एट्रीब्यूट बन जाता है। कल आपको हमने जो दिखाया था वो उसमें आपको हम सिंटैक्स दिखा सकते हैं। ये देखिए मैलॉक में जो आपने किया था कल, इसमें साइज ऑफ इंट करके एन इंटू साइज ऑफ इंट लिया था, तो ये एक एट्रीब्यूट बन गया था। तो इसको जब हम रन करते हैं तो कंटीजिनियस मेमोरी स्पेस नहीं आती, डायनेमिक यूनिट एलोकेट तो दोनों में होती है, लेकिन इसमें कंटीजिनियस में इसमें सिंगल ब्लॉक बनता है और उसमें मल्टीपल ब्लॉक बनता है। अब इसको कैलॉग में हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, कैलॉग में जो है हमारा इस तरह से दो चीज़ें डिफरेंट हैं कि इसमें कंटीजिनियस मेमोरी लेता है, और दूसरा ये है कि ईच ब्लॉक ईच सेल वर्क एज अ मल्टी सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल ब्लॉक बन जाता है, और अगर मेमोरी प्रॉपर नहीं होती तो वो एलोकेट नहीं होती है। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, जो अभी आपको हमने डिफरेंस सिंटैक्स में दिखाया कि n कॉमा एलिमेंट साइज होता है इसमें, जबकि मैलॉक में n इंटू एलिमेंट साइज होता है। तो एलिमेंट साइज टोटल लेकर के वो बाइट को एलोकेट कर देता है, जबकि इसमें हर हर सेल को एज अ ब्लॉक ट्रीट करता है और उसको मेमोरी एलोकेट करता है। तो 4 बाइट इंटू 5 ब्लॉक 20 बाइट्स हुआ, लेकिन एक ब्लॉक का 4 बाइट होगा। तो इस तरह से मैलॉक और कैलॉक में क्या डिफरेंस है ये हम बता रहे हैं। जब हम मैलॉक डिफाइन करते हैं तो इनिशियल वैल्यू कुछ गार्बेज इनिशियलाइज हो जाती है, जबकि कैलॉक में हम जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें बाई डिफॉल्ट वैल्यू जीरो आ जाती है। इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू को, अगर यहाँ पर देखिए पहले पॉइंटर डिफाइन करेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स ब्लॉक नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, फिर लूप चलाने के लिए आई लिया, एंटर वैल्यू किया, उसके बाद यहाँ पर अपना सिंटैक्स लिखा इंट स्टार कैलॉग एन कॉमा साइज ऑफ इंट,
तो इंट साइज के हम वैल्यू ले रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट n है, मतलब कितनी सेल है उस एरे में। और यहाँ पर जब हम कैलॉक लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर नल पॉइंटर डिफाइन हो जाता है, मतलब मेमोरी सफिशियंट नहीं है, तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती है और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब मेमोरी उसमें सफिशियंट रहती है तो वो वहाँ जाता है और वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पे इस वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और हम कोई वैल्यू जब इनिशलाइज नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो इनिशलाइज कर देगा, जो हम रन करके आपको बता सकते हैं। जब यहाँ पर रन करेंगे हम, तो ये देखिए हमने दिया 5, तो इसमें y डिफॉल्ट वैल्यू 0 डिफाइन हो जाती है जब हम कैलॉक फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन हमारी मैलॉक फंक्शन में ऐसा नहीं होता और वैल्यू गार्बेज कुछ भी वैल्यू उसमें एरे में स्टोर हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या करता है गया। जब हम वैल्यू को उसमें इनिशलाइज करते हैं तब वो क्या करता है, तो हम रन करते हैं। अब हमने जब वैल्यू 5 दिया तो देखिए जो वैल्यू हमने इनिशलाइज की थी वो आएगी, 0 नहीं आएगी। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप कैलॉक यूज़ कीजिए कि मैलॉक यूज़ कीजिए। कैलॉक में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशलाइज हो जाती है और मल्टीपल ब्लॉक डिफाइंड होता है, जबकि मैलॉक में सिंगल ब्लॉक डिफाइंड होता है। दोनों में बाइट्स 20 बाइट ही आ रही है, लेकिन डिफरेंस ही होता है कि उसमें गार्बेज वैल्यू मैलॉक में जाती है जबकि कैलॉक में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आती है। तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप मैलॉक यूज कीजिए कि कैलॉक यूज कीजिए। गार्बेज वैल्यू मे बी मेक अ हिंड्रेंस इन योर प्रोजेक्ट, सो कैलॉक इज सेफर देन मैलॉक। और यहाँ पर इस तरह से आप अपने पॉइंटर से वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को कैलॉक और मैलॉक में डिफरेंस समझ में आ गया। बस सारा कुछ मैलॉक जैसा है, स्लाइटली डिफरेंस उसके एट्रीब्यूट में है। इसमें मल्टीपल पैरामीटर होते हैं, ये n कॉमा साइज ऑफ इंट होता है और उसमें n इंटू साइज ऑफ इंट होता है। केवल मैलॉक और कैलॉक में यही डिफरेंस है और इनिशलाइजेशन इसमें 0 होता है जबकि उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। मैलॉक में, कैलॉक में बाय डिफॉल्ट 0 इनिशलाइज होता है। तो आपको जो फंक्शन अच्छा लगे वो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करिए। आई थिंक आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और नहीं हुई हो तो कमेंट में प्लीज़ क्वेश्चन करिए और पूछिए कि क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, तो हम आपको उसका वीडियो बना करके फिर से इसको क्लियर कर देंगे। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT फॉर्मर। Follow my all social media links, join my telegram channel, Tech Ratan. Thank you.